रैली के बीच में दिव्यांग महिलाओं को देख पीएम मोदी ने क्यों कहा मैं नहीं दूंगा भाषण। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के महबूब नगर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान जब वे अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार की ओर से किए जाने वाले कामों को गिना रहे थे तभी पीएम मोदी की नज़र रैली में बैठे दिव्यांगों पर पड़ी। इसके बाद पीएम मोदी ने अपने भाषण को रोककर सुरक्षा कर्मियों से उन दिव्यांगों के लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था करने के लिए कहा। आखिर बीजेपी को क्यों चाहिए 400 से ज्यादा सीट हेमंत बिस्वा सरमा ने बताई वजह बाबरी मस्जिद से भी है कनेक्शन। सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने उड़ीसा में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केवल एससी एसटी ओबीसी समुदायों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। इस चुनाव में बीजेपी एनडीए के लिए 400 सीट जीतने का दावा कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने उड़ीसा के मलकानगिरी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लोग हमसे पूछते हैं कि 400 सीट क्यों चाहिए। नवनीत राणा के बयान पर ओबीसी ने किया पलटवार कहा मेरा छोटा भाई तोप है। लोकसभा के चौथे चरण की वोटिंग होने में महज 3 दिन ही बचे हैं लेकिन राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में बीजेपी नेता नवनीत राणा के बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने छोटे भाई को लेकर कहा कि मेरा छोटा भाई तोप है मैंने उसे समझाकर रोक रखा है वरना सालार का बेटा है वो बहुत मुश्किल से समझाकर बैठाना पड़ता है। अहमदाबाद के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का पाकिस्तानी कनेक्शन पाक सेना के कैंट से भेजा गया था मेल। गुजरात के अहमदाबाद शहर में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बीते सोमवार को 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला ईमेल मिला था लेकिन पुलिस ने सभी स्कूलों की चेकिंग के बाद इसे फर्जी करार दिया था। इस बीच अहमदाबाद पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि स्कूलों को बम की धमकी देने वाला ईमेल का लिंक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। जेल से रिहा हुए सीएम अरविंद केजरीवाल की पहली तस्वीर हाथ हिलाकर किया अभिवादन। दिल्ली आबकारी नीति के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। जेल से बाहर आने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की पहली तस्वीर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी 10 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा। सभी जमानती नेता एक साथ होकर पीएम मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन पर सीएम मोहन यादव का हमला। मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश में प्रचार अभियान की कमाल संभाले हुए हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को स्टार प्रचारक बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मंगलवार को उन्होंने रतलाम के सैलाना विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी अनिता नागर चौहान के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निशाने पर कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जमानत पर हैं। संबोधन में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस को घेरा मांगा 85 पैसे का हिसाब जाने पूरा मामला। मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस से 40 साल पुराना हिसाब मांगकर सबको चौंका दिया है। सीएम मोहन यादव ने 40 साल पुराने राजनीतिक बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस से 85 पैसे का हिसाब मांगा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी इस बात का जिक्र राजनीतिक सभाओं में करते थे कि वे दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो 15 पैसे ही जनता के पास पहुंचता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वे 85 पैसे कहां गए इसका हिसाब आज तक कांग्रेस नहीं दे पाई है। बक्सर में बड़ी सियासी सरगर्मी। नामांकन के बाद बीजेपी और आरजेडी प्रत्याशी के बीच छिड़ी जुबानी जंग। पूरे देश में इन दिनों तीसरे चरण के चुनाव के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। इसी कड़ी में बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 33 से एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी और महागठबंधन से सुधाकर सिंह ने आज यानी 10 मई को नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के पक्ष में पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ने इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे और विकसित भारत के खाका में बक्सर का नाम भी दर्ज है। वोट बैंक के लिए होता रहा महाराजा सुहेलदेव का अपमान, बहराइच में बोले सीएम योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को महसी के रामपुरमा बाग में बहराइच लोकसभा सीट के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से महाराजा सुहेलदेव राजभर का अपमान होता रहा है। सोमनाथ मंदिर के गुनाहगार सालार मसूद गाजी को मौत के घाट उतार कर
बहराइच में उसकी कब्र बनाने वाले महापराक्रमी महाराजा सुहेलदेव को केवल वोट बैंक के लिए कांग्रेस, सपा और बसपा ने सम्मान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा करने पर सालार मसूद गाजी का वोट बैंक खिसक ना जाए। फैंसी ड्रेस कंपटीशन करके कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का कंगना रनौत पर तंज। हिमाचल प्रदेश में सातवें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं। विक्रमादित्य सिंह ने मंडी संसदीय क्षेत्र से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत 14 मई को नामांकन दाखिल करने वाली हैं। ऐसे में इन दिनों दोनों नेता ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच जहां एक तरफ जनसभा में वार पलटवार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया भी एक दूसरे पर निशाना साधने का बड़ा माध्यम बना हुआ है।